ओवेस यहाँ पे MYM की शैडो को नॉकआउट कर दिया अपनी। बिल्कुल अगर आप देखो सिंगल टैप से यहाँ पे शैडो को फिनिश करा फनाटिक रॉनक ने और जो बिल्कुल अनटचेबल को फायदा उठा चुके हैं। बट गेम गेमिंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। गाड़ी पलट की वहीं पे स्काउट भी प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी के स्पीड काफी ज्यादा कम है, ये गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए और ये टीम पूरी जा सकती है यहाँ पर। वहीं पे ओवेस ने IPMAN NDS एवरीवन इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट। वहां पर थोड़ा फायदा 720 ने भी उठाया, 420 ने भी उठाया, स्काउट ने भी IPMAN का किल कंफर्म किया। वहीं पे डकी भी मर गए हैं जिग्सॉ से, तो एश ने वहां पे एम रॉकी का किल स्टील करा। ओवेस बोलते हैं यहां पर ईगो को उन्होंने नॉकआउट किया और काफी शानदार स्प्रे करने की कोशिश। जिग्सॉ ने यहां पर VSG कॉलर्स के अवी को उनका गेम बिल्कुल खराब करने की पूरी कोशिश कर ली है, तो VSG कॉलर्स के लिए काफी मुश्किल है। वहीं पे रौनक का बड़ा ही प्यारा नेड आता है, ईवो का किल कंफर्म हुआ, जिग्सॉ ने यहां पे अवी का किल कंफर्म किया। वहीं पे ओवेस की मोलोटॉव ने सीजी को गेम निपटाया। तो छोटे मोटे शंट के अंदर ऐसा रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, अगर आप करके दिखाते हैं फायदा होगा। बट यहाँ पे सीधा उन्होंने स्काउट के अंदर चार्जिंग कर लिया है, ये आसान बात नहीं होगी। एक छोटे से घर के अंदर दो कमरे में, एक कमरे में प्लेयर है, वहां पे ओवेस नॉकआउट हो चुके हैं। सोनिक को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया रौनक ने और रौनक ने वहां पर रूल को भी नॉकआउट कर दिया। तो ये रिवेंज क्लैन के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट नाइटमेयर हो सकता है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर से लास्ट प्लेयर आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मुझे लगता है कि फनाटिक एलिमिनेट होती है 7वें अंक पर और उनको टोटल किल पॉइंट्स मिलेंगे 9 और टोटल पॉइंट्स होंगे उनके 14। बट वहीं पे फायदा उठाएंगे 7 सीज, वो बिल्कुल कह रहे ना खिचड़ी बनाई कि चौने खा कौन और रहा है। यहाँ पे फनाटिक ने डैमेज दिया, अकेला प्लेयर बचा है यहाँ पे, रू रेड बचा है और आखिर में उसको भी मारा और रिवेंज भी एलिमिनेट होती है 7 सीज। ओ माय गॉड व्हाट अ गेम। मोबाइली यहाँ पे टीम फनाटिक को कुछ किल्स मिली है, कुछ रौनक ने दो प्ले नॉक दे रखे थे, बट YTT को रिवाइव मिल चुका है, 420 को भी यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा। बट यस ब्लू जोन की मार हो गई है चालू, वहीं पे प्ले जोन का शिकार बनना चालू हो रहे हैं। बट 7 सीज ने जो करना था वो ऑलरेडी करके दिखा दिया, अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पे, 7 सीज क्या कर पाएगी। पान सिंह फायदा उठा रहे, ब्लेजी ने यहाँ पे ट्रिगर को नॉकआउट किया, किल कंफर्म हुआ, क्लाउन वाइज शिकार बनते हैं प्ले जोन के। पान सिंह ने फाइनली क्लाउनी को भी खत्म कर दिखाया, ब्लेजी ने जिग्सॉ को मार गिराया। बट यहाँ पे आप देखोगे मार्कोस गेमिंग का यहाँ पे एक प्लेयर हील बैटल कर रहा है, सेम गोज विद यहाँ पे 7 सीज का प्लेयर। बट यहाँ पे फाइनल बॉस जो हील बैटल कर रहा था वहां पे उन्होंने यहाँ पे मैक्स गश को नॉकडाउन करा, बट लाइव क्राफ्ट के विलन वो यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं और मार्कोस गेमिंग के लिए यहाँ पे द डूड 5 फर्स्ट एड्स हैं इनके पास, विलन के पास देखते हैं कितनी फर्स्ट एड्स हैं। आप अगर देखोगे विलन के पास यहाँ पे 2 हैं, वहां पे 4 हैं, एक लास्ट फर्स्ट एड बची है विलन के पास। क्या यहाँ पे द डूड जीतेंगे कि विलन, अब अगर मिसटैप हुआ तो कहीं पे दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे विलन अब वो बैंडेजेस ही ट्राई करते रह जाएंगे, बट द डूड के पास एक और फर्स्ट एड है, बट ये वाली फाइट निकाल के जाएंगे। द डूड एंड हील बैटल तीनों टीम कर रही थी, बट जीती यहाँ पे मार्कोस गेमिंग। क्या सही डिसीजन था।